जय हिंद। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश सागर जिले राहतगढ़ के खुरई रोड चंदपुरा गांव के पास स्कूल बस पलट गई। छह छात्राएं घायल, एक की मौत। घायलों को राहतगढ़ के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। घायल बच्चों का आरोप है कि ड्राइवर मोबाइल से बात कर रहा था। घटनास्थल पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक पहुंचकर स्वयं जाकर देखा। मध्य प्रदेश सागर जिले से मनोज मेहरा की खास रिपोर्ट। ये जो घटना हुई है वो कलेक्टर साहब ने आप लोगों को डिटेल बता दिया है। इसमें जो बस मालिक और बस चालक है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है और इसमें इनकी जो जिन्होंने की है अपराध किया है उसके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से नहीं हो और जहाँ कहीं पर भी ऐसी है इसमें RTO विभाग के माध्यम से और बाकी माध्यम से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी है कार्रवाई इसमें जो भी संबंधित विभाग है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक बस जो 3 विद्यालयों के बच्चों को लेकर जाती थी उस बस का एक्सीडेंट हुआ। सुबह लगभग 8 बजे थी और जल्दी सूचना मिली, हम लोग मौके पर पहुँचे और हमारी टीम सारी पहुँची। उन्होंने बच्चों को अटेंड किया, बच्चों को निकालना तीव्रता से। दुखद ये है कि एक बच्चे की सूचना, मतलब एक बच्चे की अभी तक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, उनकी शायद उनकी डेथ हो गई है। बाकी 2 बच्चे और घायल हैं जो कि एक का फ्रैक्चर है वो सुरक्षित है, दूसरा पेट की इंजरी है वो भी ऐसा कोई गंभीर अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन BMC उनको रेफर कर दिया गया, वो पहुँच गए हैं। बाकी 6 बच्चे और हैं जिन 6 बच्चों को सर में जरासी भी चोट आई है। वैसे गंभीर कुछ नहीं था लेकिन एहतियात के तौर पर इसलिए कि बच्चों का मामला है, इनको सभी को CT स्कैन करवाने के लिए सागर भेज दिया गया है। सभी की विस्तृत जांच की जा रही है, सागर में भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें बच्चों के इलाज का संपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जो बच्चे थे लगभग इनके बाद लगभग 30 बच्चे और थे, जो बच्चे अपने अपने घरों पर चले गए हैं, उनके हल्के फुल्के निशान थे, तो पहला फर्स्ट एड दे करके उनको घर पर भेज दिया। देखिए, बस मालिक के खिलाफ और जो बस का चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी चल रही है और बस और